ये नेचुरल टाइटेनियम है और ये डीप पर्पल है, थोड़ी सी ब्राइटनेस 15 प्रो मैक्स की ज्यादा है, कैमरे में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो जब से मैं यूरोप से आया हूँ मैंने बाल और बियर्ड नहीं बनाए, इट्स ऑलमोस्ट 20 डेज आई थिंक। आज इस गाड़ी में जाएंगे, द रेनो क्लियो। सो घर वापस आ गया हूँ और बाल और बियर्ड आप देख सकते हैं बना लिए हैं मैंने। ये फ़ोन मैंने इसमें रख दिया है और इसको ऐसे बंद करेंगे, फिर ऐसे बंद करेंगे, फिर ऐसे बंद करेंगे और फिर इसको सील कर देंगे। I'll watch my videos on the YouTube first over there. KALEEMKH और वो आ गया मेरा YouTube चैनल। गैरेथ मुझे बोल रहा था कि यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम इन दिस कलर, सो क्या मैं हैंडसम लग रहा हूँ? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। 11 नवंबर दिन है सैटरडे का, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ एक डिलीवरी का। डिलीवरी आ रही है एप्पल स्टोर से और डिलीवरी में क्या आ रहा है, डिलीवरी में आ रहा है मेरा नया आईफोन 15 प्रो मैक्स। तो डिलीवरी का मैसेज आया है मुझे एप्पल की जानिब से कि कुछ देर में होने वाली है, लेकिन आप देख सकते हैं काफ़ी दिनों से मैंने अपनी बियर्ड और बाल सेट नहीं किए, तो अभी जाता हूँ मैं बाल वाल ठीक कराने, तब तक डिलीवरी आ जाएगी। डिलीवरी में अभी एक दो घंटे हैं, तो आइए और इन्जॉय करिए आज का व्लॉग। आज इस गाड़ी में जाएंगे, द रेनो क्लियो, खूबसूरत गाड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जब से मैं यूरोप से आया हूँ मैंने बाल और बियर्ड नहीं बनाए, इट्स ऑलमोस्ट 20 डेज आई थिंक। अभी फिर मेरा अनकरीब प्लान है ट्रैवलिंग का, तो खैर आई वाज वेरी बिजी इन माय ऑफिस वर्क एंड देयर वर अ लॉट ऑफ मीटिंग्स एंड अ लॉट ऑफ वर्क पेंडिंग वर्क जो कि मैं हॉलीडेज पे था और जमा हो गया था। तो खैर अभी के लिए आई जस्ट रिंग माई बार्बर एंड ही सेड जल्दी से आ जाओ, ही वॉज फ्री। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाल शाल बियर्ड बना के सही पप्पू बच्चा बन के व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ये हम निकल गए ऑफिस से। ओके पहनता हूँ सीट बेल्ट मेरे भाई, पहनता हूँ, सबर कर। ये हमारा ऑफिस है, ये बीच में पार्किंग है और ये मेन रोड है। Two hours later. So, घर वापस आ गया हूँ और बाल और बियर्ड आप देख सकते हैं बना लिए हैं मैंने। Just took a shower, got fresh और जिस पार्सल का इंतज़ार था ये है वो पार्सल। इस पार्सल में क्या है, इसमें है iPhone 15 Pro Max। तो अभी नीचे लाउंज में जाता हूँ, वहाँ बैठ के इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ मेरा नया 15 Pro Max। क्या शॉट्स लिए हैं मैंने और बड़ी स्क्रीन पे बहुत खूबसूरत लगता है। फोन अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कि इस समय और जिस फोन पे आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं 14 प्रो मैक्स और 15 प्रो मैक्स
में क्या फ़र्क है। स्पेशली मैंने सिर्फ और सिर्फ कैमरा के लिए लिया है बिकॉज मेरा काम कैमरे के साथ है। व्हेन आई ऑर्डर्ड इट फ्रॉम एप्पल तो उस टाइम पे एप्पल ने बोला कि आपको डिलीवरी मिलेगी करीबन भी 20 डेज बाद, लेकिन पता नहीं क्या चमत्कार हो गया। द नेक्स्ट डे आई गॉट एन ईमेल फ्रॉम देम दैट योर ऑर्डर इज रेडी फॉर डिलीवरी और नेक्स्ट डे ही मेरे घर पे डिलीवर हो गया। अनबॉक्सिंग करते हैं तो चलिए बिस्मिल्लाह। पैकिंग चेक करिए, जैसे ही आप ये पुल अप करते हो आईफोन खुद ऊपर आ जाता है। ये तो ज़बरदस्त। मैंने ऑर्डर किया है नेचुरल टाइटेनियम कलर में। काफ़ी खूबसूरत कलर है। इट लुक्स लाइक गोल्डन प्लस सिल्वर का कॉम्बो लगता है, बट एप्पल कॉल इट नेचुरल टाइटेनियम तो हम इसको नेचुरल टाइटेनियम ही बोलेंगे। अच्छा, वेट में इट्स वेरी वेरी लाइट दैन द वन आई एम यूजिंग विच इज़ आईफोन 14 प्रो मैक्स। दिस इज 15 प्रो मैक्स और ये उससे वेट में काफ़ी ज़्यादा हल्का है। दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं और वेट में भी काफ़ी ज़्यादा लाइट हैं। दैट्स माई न्यू 15 प्रो मैक्स और ये मेरा पुराना फ़ोन है 14 प्रो मैक्स जो कि मैंने कुछ आई थिंक 4-5 महीने पहले लिया है। तो ये मैंने एप्पल के ट्रेड इन ऑप्शन को इस्तेमाल करके लिया है। ट्रेड इन ऑप्शन क्या है? ट्रेड इन ऑप्शन ये है कि एप्पल वाले मुझे एक बॉक्स भेजेंगे कुछ 1-2 दिन बाद, जब मैं इस फ़ोन से फुली सेटिस्फाइड हूँगा तब क्या करूँगा कि इस फ़ोन से सारा डेटा मैं अपने नए वाले फ़ोन में ट्रांसफ़र करूँगा और एप्पल जो बॉक्स भेजेगा उस बॉक्स में ये फ़ोन मैं एप्पल को भेज दूँगा। ट्रेड इन ऑप्शन एप्पल के ऐप स्टोर में होता है। आप जब उस ऑप्शन पे जाते हो तो आपके करंट फ़ोन की वैल्यू आपको बताता है। तो इस करंट फ़ोन की वैल्यू उन्होंने मुझे £700 बताई थी और ये फ़ोन मैंने लिया था £1200 का। सो आई एम लूजिंग अराउंड £500 इन दिस फ़ोन, लेकिन क्योंकि मुझे ये फ़ोन अराउंड आप कह सकते हैं £500 में, सिर्फ £500 में मुझे ये नया 15 प्रो मैक्स मिल रहा है, सो इट्स नॉट अ बैड डील। तो इसीलिए मैंने ये अपना 14 प्रो मैक्स ट्रेड किया और ये 15 प्रो मैक्स मैंने सिर्फ और सिर्फ £500 का ले लिया एप्पल से। ये नेचुरल टाइटेनियम है और ये डीप पर्पल है। इसकी जो साइज है वो थोड़ी सी पतली मुझे लग रही है और जो शाइन 14 प्रो मैक्स में है वो 15 प्रो मैक्स में नहीं है, इट्स कम्प्लीटली मैट। दिस इज़ नॉर्मल आईफोन का चार्जर और ये सी टाइप है। सी टाइप यहाँ पे दिया भी हुआ है। थोड़ी सी इन्होंने केबल की जो डिज़ाइन है वो भी चेंज की है। उनका जो एप्पल का स्टिकर है, सिम चेंज करने का जो पिन है वो दिया हुआ है एंड दैट्स इट। फ़ोन मैंने सेटअप कर दिया है। इसका भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है और इसका तो एप्पल ने लॉन्च करते ही इसमें एक नया ऑप्शन दिया था ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ये फ़ोन अभी इस वक्त बंद है लेकिन डिस्प्ले पे आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, आप ये बटन देख सकते हो, जो साइलेंट करने का बटन था वो पहले ऊपर नीचे होता था। 15 में ये बटन सिर्फ प्रेस करने के लिए है, होल्ड फॉर साइलेंट आ जाता है, फ़ोन साइलेंट हो गया, और इसमें आपको ये ऊपर नीचे करना पड़ता है। ये तो एक तो ये है, दूसरा सी पोर्ट। अच्छा, जो कैमरे का डिफरेंस है, साइनेमैटिक मूड का डिफरेंस चेक करिए। ये हमारा चांद, अगर मैं इसमें लाऊं तो बिल्कुल कैमरे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक तो ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा है। ये 15 प्रो मैक्स है इस वक्त मेरे हाथ में एंड यू कैन डू दिस। ये हमारे पूल का टेबल है तो मैं अगर इसकी लाइट जूम करूं तो वो जूम होती है। ये सिनेमैटिक का जूम है
जबकि ये ऑप्शन आपको 14 में नहीं दिखता. 14 में यू कांट डू दैट. इधर यू कैन यूज़ 3 और जस्ट 1, लेकिन 3 में भी ये ब्लर हो जाता है. और अगर फ्रंट कैमरे की बात करो तो डिफरेंस है, और डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है. थोड़ी सी ब्राइटनेस 15 प्रो मैक्स की ज़्यादा है. बाकी का ब्लॉग जिसमें मैं एप्पल को ये फ़ोन भेजूँगा और कैसे भेजूँगा, कब भेजूँगा, वो आप व्लॉग के आगे हिस्से में देखोगे. तो इसके बाद जो शॉट आएगा वो आएगा 15 प्रो मैक्स से, जिसमें आप देखेंगे 14 प्रो मैक्स एप्पल को मैं कैसे भेजता हूँ. So after 2 days I got the box जिसका मैं वेट कर रहा था, जिसके अंदर मैंने अपना पुराना फ़ोन रख के डाल के वापस भेजना है एप्पल स्टोर को. तो उन्होंने यही बॉक्स भेजा है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आप फ़ोन रखते हो, कुछ फ़ोन का बॉक्स नहीं, चार्जर नहीं, नथिंग. जस्ट आप अपना फ़ोन इसमें रखते हो, इसके अंदर सील है वो लगा देते हो, और रॉयल मेल के ऑफिस जाके इसको वहाँ पे आप दे देते हो. एंड देन वो जाने और उनका काम जाने. रॉयल मेल का जो एडिंगटन का ऑफिस है वो करीब ही है मेरे घर पे. अगर ये सुबह आया होता तो मैं इसको अपने साथ ऑफिस लेके खुद ही पोस्ट कर देता, लेकिन ये अभी आया है एंड मैं अभी घर आया हूँ. तो अभी जाता हूँ मैं एडिंगटन का रॉयल मेल करीब ही है. वहाँ पे एक कोलीग भी है मेरा जॉन, होपफुली वो अगर हो तो जल्दी काम हो जाएगा. तो ये डिलीवर करते हैं, और पहले इसमें मैं अपना फ़ोन सील करता हूँ. तो आइए देखिए इस बॉक्स के अंदर क्या है, और इसके अंदर मैं फ़ोन कैसे रखता हूँ. ओपन करते हैं इसको. तो जिस फ़ोन पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, दैट इज़ माई न्यू फ़ोन, एंड दैट इज़ 15 प्रो मैक्स, आईफोन 15 प्रो मैक्स. और ये है मेरा पुराना फ़ोन, दिस इज़ आईफोन 14 प्रो मैक्स. ओके, ये इंस्ट्रक्शन है, और ये साथ में बकिंगम वे का स्टिकर है. तो ये आप चेक करिए, एप्पल का इंस्ट्रक्शन है इसमें, जिसमें अगर आप वॉच ट्रेड कर रहे हैं, उनको भेज रहे हैं, तो वो ऐसे करेंगे, उसके स्ट्रिप्स निकाल देंगे. अगर फ़ोन है तो उसको ऐसे करोगे. सारी चीज़ें लिखी है. उसके बाद अपना फ़ोन इसमें रख दोगे ऐसे, एंड देन ये इसके अंदर टेप लगा है, इसको सील करके इसके ऊपर ये वाला जो स्टिकर है ये स्टिकर लगा दोगे. आई थॉट इसके साथ मैं ये कवर भी भेज दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए. अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको दे दूंगा. ये बॉक्स काफ़ी ज़्यादा पतला है और कवर के साथ ये नहीं आएगा. लगता काफ़ी खूबसूरत है, मेरा भेजने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि आई कैन नॉट कैरी 2 फोन्स, दैट इज़ द प्रॉब्लम. तो खैर, लेट्स सी. फ़ोन है और ये कवर है, कवर निकल गया है. ये फ़ोन मैंने इसमें रख दिया है, और इसको ऐसे बंद करेंगे, फिर ऐसे बंद करेंगे, फिर ऐसे बंद करेंगे, और फिर इसको सील कर देंगे इस टेप की मदद से. टेप हटा दिया मैंने. ये एप्पल की लोगो का जो भी है मुझे नहीं चाहिए, तो ये भी मैं अंदर ही रख देता हूँ इसके. और सील हो गया है. ये जो स्टिकर आया है, क्योंकि ये पहले मेरे एड्रेस पे आया है और उन्होंने साथ ही वो स्टिकर भेजा है जिस स्टिकर पे ये फोन जाएगा, तो यही स्टिकर मैं इसके ऊपर लगा दूंगा. Here you go. तो मैं रॉयल मेल पहुंच गया हूं, गाड़ी पार्क करता हूं और अंदर जाके जिस काम से आया हूं वो काम करता हूं. जाके इसको डिलीवर करते हैं. मौसम बदल गया है और ठंड हो गई है. ये इनके कस्टमर सर्विस का गेट है, जहां पे लोग जाते हैं, कस्टमर पॉइंट. और ये अंदर ऑफिस का रास्ता है. Hello. Yeah, you look smart, Colleen. Okay.
Thank you. Hello, John. Hello, you're right. Okay. Yeah. And I'll get a PDA and I'll scan it as accepted. And it'll go today in the in the evening. In the dinner. Yeah. Yeah, that's sorted. Have you kept? Do you want to take a picture of the tracking number so you've got a receipt? सीधा गया मैं ऑफिस में और जॉन से मुलाकात हुई, गैरेट से हुई, मार्कस से हुई, ये सारे कॉलीग्स हैं और जानता हूँ मैं. मीटिंग्स वगैरह में अक्सर मिलते रहते हैं. गैरेट मुझे बोल रहा था कि यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम इन दिस कलर. सो क्या मैं हैंडसम लग रहा हूँ? खैर, बहुत शोर है, गाड़ियाँ चल रही है, तो मैं गाड़ी में बैठ के आपसे बाकी बात करता हूँ. बिस्मिल्लाह. ट्रेड इन ऑप्शन लिया था मैंने यहाँ पे. जब आप यूके, यूएस, यूरोप में होते हो तो एक ट्रेड इन का ऑप्शन आता है जिसमें आप नया फ़ोन लेते हो और एप्पल आपको आपके पुराने फ़ोन की वैल्यू बताता है और आप पूरा पेमेंट करते हो. मैंने पूरा 1200 पाउंड्स का, जो हाथ में मेरे इस वक्त फ़ोन है 15 प्रो मैक्स, ये लिया. 1200 पाउंड्स मेरे क्रेडिट कार्ड से कट गए और क्योंकि ट्रेड इन का ऑप्शन दिया था मैंने उनको, तो उन्होंने एक बॉक्स भेजा जैसे मैंने आपको दिखाया. उस बॉक्स में मैंने अपना पुराना फ़ोन रख दिया. किसी चार्जर, कोई बॉक्स, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ अपना फोन रखते हो उसमें और वो आप बेच देते हो. दे विल रिफंड मी 700 पाउंड्स जो कि उन्होंने मुझे मेरे फ़ोन की वैल्यू मेरे फ़ोन में दिखाई थी. जब आप एप्पल ऐप स्टोर में जाते हो और आप ट्रेड इन का ऑप्शन देते हो तो उसी दौरान आपसे अपने फ़ोन, आपके फ़ोन का सीरियल नंबर मांगते हैं और वो आपके फ़ोन में ही होता है. आप कॉपी पेस्ट करते हो और आपको दिखा रहता है. तो मेरे फ़ोन की वैल्यू थी 700 पाउंड्स, तो मैंने इनको भेजे है 1200 पाउंड्स, तो मुझे ये फ़ोन पड़ जाएगा ओनली एंड ओनली 500 पाउंड्स का. सो इट्स अ गुड ऑप्शन एंड इट वाज अ गुड ऑप्शन रेदर दैन कैरिंग टू फोन्स, जो कि बहुत मुश्किल है मेरे लिए. मैं चीज़ें भूलता हूँ, कभी एयरपोर्ट्स तो कभी फ़ोन, कभी गाड़ी की चाबी, तो आई कैन नॉट कैरी टू फोन्स. दैट्स वाई मैंने ट्रेड कर दिया एंड आई गॉट अ गुड डील एज वेल. होपफुली आपने व्लॉग को इन्जॉय किया होगा, इस उम्मीद के साथ कि आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन, अल्लाह पामान.